क्योटो। एक जमाने में क्योटो जापान का कैपिटल हुआ करता था। हजारों सालों से ये शहर जापान की संस्कृति और इतिहास का सेंटर रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड सिटी हु स्टिल कीप्स ऑल द ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल प्लेसेस अलाइव। आज के वीडियो में आप देखोगे ये पांच टेंपल आप कवर कर सकते हैं। तो ये कवर करने पे मुझे लगता है कि क्योटो के मेन जो स्पॉट्स है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करते टाइम ये बहुत जरूरी है दिमाग में रखना। स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। आज थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मॉर्निंग हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है आज। हम लोग के होटल वाले से पूछा तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसे ही नवंबर में ठंडी गर्मी बारिश क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग को निकलने को भी थोड़ा लेट हो गया, 9:35 हो गया। रोज़ लेट हो रहा है। हम लोग रोज़ जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब कोई ना कोई रीज़न की वजह से लेट हो रहा है। तो अभी हम लोग ने अपोजिट साइड से एक बस पकड़ा पर पता चला कि वो बस नहीं जाता है, तो अभी हम लोग वापस ये साइड पे आ गए। इसका नाम है फूरी, क्या पढ़ लो यार, ये स्टेशन का नाम है। तो हम लोग फाइनली आ गए किनकाकुजी बीची में और अभी फिलहाल रोड क्रॉस कर रहा हूँ। 1 मिनट। जैसे कि मैंने कल बोला था, बस में कितना भी स्टॉप हो, 10 स्टॉप हो या 19 स्टॉप हो, 230 रुपया ही लेते हैं, 230 येन ही लेते हैं। तो अभी थोड़ा वॉक है बस स्टॉप से उतर के। बहुत गर्दी दिख रहा है आज इधर, मतलब ऑलमोस्ट सब फॉरेनर्स ही है। ऐसा है ये टेंपल में ना बहुत सारे पिलर्स है जो बहुत अमेजिंग दिखते हैं, बट उसका कैच ये है कि ये रात को ही अमेजिंग दिखते हैं, क्योंकि रात को ये इल्यूमिनेट करते हैं ये लोग 6 to 9 PM ओनली। बट हम लोग क्योंकि सुबह आए हैं तो शायद वैसा नहीं दिखेगा, बट बहुत अच्छा दिखने का चांसेस है। और इधर रेस्टोरेंट का ये सीन है, सब रेस्टोरेंट 11 बजे के बाद खुलता है, तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी डायरेक्टली हम लोग ये टेम्पल देखने जा रहे हैं। ऐसा सीन हो गया है कि एक हाथ में मेरा कैमरा है, एक हाथ में छाता है। अभी मेरे को अपना क्या बोलते हैं, कैनन का कैमरा निकाल के यहाँ का बी रोल शूट करना है। इतना मुश्किल होने वाला है ना आज। हर टाइम मेरा दोनों हाथ इसमें बिजी रहता है, एक कैनन का कैमरा होता है और एक ये कैमरा होता है। और अभी कैसा करेंगे वो मैनेज पता नहीं, बट सीन बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो, ये मेरे को शूट करना था, जो रेड रेड लीव्स दिख रहा है ना, ये स्पेशली नवंबर के महीने में ही दिखता है ऐसा। इसको जापनीज में डांगो बोलते हैं। डांगो। हाँ, चरांगो, ये चाय का बना है ना, चरांगो। तो जनरली साइज जरा बड़ा रहता है, पर हम लोग ने सस्ता वर्सन लिया है। टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा। नॉर्मल इनका जो मोची बोलते हैं, स्टिकी राइस, वैसे ही है, सब कुछ टिकी रहता है इनका। वो दिन हम लोगों ने ऑरेंज लिया, वो का क्या है, जनरली कल्चर ऐसा है कि जो भी लोग स्वीट बनाते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ को स्टिकी राइस में स्टफ करते हैं। ओके। और फिर वो हम लोग है ना, मतलब टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या, चाय और स्टिकी राइस का टेस्ट आ रहा है, ग्रीन टी फ्लेवर का है ना, तो वैसे टेस्ट आए। कितने का है ये? 120 का है, मतलब अपना 80 रुपये का। ओके, छोटू छोटू मां ट्राई। चाय अच्छी टेस्ट तो फुल फुल खाओ ना क्या।
बाप रे। हाथ में हाथ में, हाँ बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลรินยามเงาเราถอนใจมามองดูสายNo worries, no worries, no worries. Are you excited about this? What did you say? Yeah. What did you say? How this is to buy. Okay. Okay, okay. That's the wrong one. Thank you. मशीन में हम लोग ने कैंसिल दबाया, एक्चुअली बाय पे क्लिक करने का था, बट क्योंकि उनका लैंग्वेज बैरियर है तो हम लोग समझा नहीं। बाय पीछे आइसक्रीम खोलने में लगा हुआ है। वापस लॉसन सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। घूम फिर के अपन आते हैं लॉसन 7-Eleven और फैमिली मार्ट। अन्ना था ऐसे सैंडविच। तो ये स्टेशनरी सेक्शन, ये है अपना जूस सेक्शन, बॉटल वगैरह बहुत सारा इनके इधर, कॉफ़ी, फिर इनका अलग अलग ड्रिंक, पानी, ये अपना स्किन केयर और बहुत सारा कन्फ्यूजन, चिप्स और चॉकलेट्स। Let the celebration begin. पट से देख लिया कि कैमरा उधर अलाउड नहीं है अंदर शूट करने का, बट मैं हर दिन हर टाइम शूट कर रहा हूँ।
अच्छा हो कोई कुछ बोला नहीं अब तक। तो आज हम लोग ने सैंडविच छोड़ के थोड़ा ऐसा ब्रेड आइटम्स में लिया, तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या लिया हम लोग ने। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाने मिलेगा क्योंकि कंटा लग गया था सैंडविच से। फाइल रिपेयर करके बताया इसने गोप्रो ने, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया अचानक, मतलब आज धोखे का साइन है, चलना मांगता है रात तक कार्ड, क्योंकि दूसरा कार्ड रूम पे। अभी हम लोग कौन सा जाने वाले हैं? श्राइन लांजन जी। हाँ वापस, मेरे को ही नहीं समझा। लांजन जी। तो ऐसा है कि यहाँ पे ना बहुत कम डस्टबिन्स है, सब जगह पे डस्टबिन प्रोवाइड नहीं करते ये लोग। तो जो ऐसा लॉसन वैसन है या बस स्टॉप है उसके बाजू में ये ट्रैश फेंकने का रहता है। और इनमें भी ना ऐसा अपने इधर जैसे नहीं है कि इधर भी, मतलब अपने इधर भी अलग अलग है बट हम लोग कोई फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे बॉटल्स अलग, ट्रैश मतलब प्लास्टिक अलग, पेपर अलग, ऐसा करके डालना पड़ता है। अभी हम लोग हिगाशी तेन्नोचो स्टॉप पे है। हिगाशी तेन्नोचो स्टॉप से 9 मिनट पे नानजेनजी टेम्पल है। तो आज हम लोग ने फर्स्ट कवर किया किनकाकुजी टेम्पल, अभी वहाँ से हम लोग नानजेनजी आए। तो नानजेनजी और एकांदो टेम्पल बगल बगल में है, तो यहाँ इस जगह से हमारा 2 पॉइंट कवर हो जाएगा। वैसे एक फैक्ट बताना चाहूँ तो जो लोग क्योतो में आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे हजारों टेम्पल है और श्राइन बोलते हैं लोग। श्राइन और टेम्पल में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी मुझे नहीं मालूम, पर है ना आप लोग है ना, हम लोग ने कैसे जो 4-5 मेन है कवर किया है, मतलब एटलीस्ट हम लोग के प्रेफरेंस से जो मेन है वो 5 टेम्पल आप भी कवर कर सकते हैं। एक तो फुशिमी इनारी श्राइन तो मस्ट गो, सबसे पहले तो उधर जाना है। दूसरा थोड़ा ब्लिंग देखना है, मतलब पूरा सोने का टेम्पल देखना है, तो किनकाकुजी जाना है। फिर एकांदो नानजेनजी भी बड़े टेम्पल्स है, और लास्ट फिर एक आराशियामा बैम्बू ग्रूव करके है, मतलब एक फॉरेस्ट है जहाँ पे पूरे बाम्बू से बाजू में दोनों रास्ते के साइड में है और बीच में से रोड है, तो वहाँ पे एक तेंदुजी टेम्पल है। तो ये 5 टेम्पल आप कवर कर सकते हैं। तो ये कवर करने पे मुझे लगता है कि क्योटो के मेन जो स्पॉट्स है वो कवर हो जाएंगे और आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि क्योटो हम लोग ने एटलीस्ट पूरा मेन चीज़ तो कवर कर लिया। Thank you.
सेकंड। यहाँ के बस का एक सिस्टम हमारे ध्यान में आया और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करते टाइम ये बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना, क्योंकि क्या है यहाँ पे सब कुछ चीज़ क्विक होता है और ऑन टाइम होता है। ज़रा लेट हो गया तो आप लोग को मतलब टाइम लॉस हो जाएगा, फोकट का वो नाराज़ हो जाएगा जो बस ड्राइवर है वो। तो यहाँ पे एक है कि यहाँ पे बस में कोई, पहले तो कोई कंडक्टर नहीं रहता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, और ड्राइवर के बाजू में जो दरवाज़ा है वहाँ से उतर सकते हैं। तो फिर उसके बाजू में एक स्लॉट मशीन है, उसमें आप पैसा डाल के अपना जो जितना टिकट है उतना डाल के आप उतर सकते हैं। तो इसमें इशू क्या आता है कि जो जिसके पास छुट्टा नहीं है उसको मशीन है ना मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, या वो प्रिफरेबली उसको एग्जैक्ट चेंज चाहिए रहता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, तो यहाँ पे कंडक्टर तो नहीं है तो छुट्टा किससे लेंगे, तो इसकी वजह से एक चेंज के लिए अलग मशीन है जिसमें आपके पास कोई बड़े नोट रहेंगे तो उसको डाल के आप उसका छुट्टा करा सकते हैं, मतलब 500, 100, 50 मतलब ऐसे जो डिनोमिनेशन में 1000, 10000 का नोट डाल के, हाँ 1000, 10000 का नोट या 500 का नोट डाल के, 5000 का नोट डाल के आप उसका चेंज करवा के ले सकते हैं। तो उनका कंटिन्यूस अनाउंसमेंट होता रहता है कि सिंस वो स्लॉट मशीन है जो टिकट लेता है उसके अंदर है ना एग्जैक्ट चेंज छोड़ के ऊपर का मत डालिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका और बस पर्सन का टाइम सेव करने के लिए पहले वो जो छुट्टे वाला स्लॉट मशीन है उसमें से छुट्टा ले सकते हैं, और फिर जब उतर रहे तब एग्जैक्ट चेंज डाल के फिर फटाक से बस को छोड़ सकते हैं। बंद झाला ना ते काना घालतात लोक ऐपल पे का ऐपल ऐपल है अन्ना हो गया ना, तो एक पोर्टर लेके आना साथ में जो जैकेट उठाएगा, ऐसा मम्मी का एडवाइस है। नहीं तो पूरा दिन हम लोग सुबह धूप रहते इसलिए जैकेट नहीं पहनते, और ऐसा पहाड़ के एरिया में आएगा तो ठंडी में कुड़कुड़ते, और फिर रात को वापस फिर रूम में जाके जैकेट लेना पड़ता है। गाड़ी दिखा रहे, गाड़ी एक नंबर है, एक एक घर भी अच्छा है ना एकदम। आगे से क्या वेंडिंग मशीन क्या ले रहा है, कॉफी $110 हाँ दबा। ओहो फास्ट था सर्विस, बापरे। इधर हम लोग ने एक स्कूल देखा, ये स्कूल है उसके नीचे जो बच्चे लोग मतलब अभी स्कूल हो गया था ख़त्म, तो अपना चेयर है ना उल्टा टेबल पे ऐसा टेबल पे उल्टा रखा और ब्रूम से पूरा क्लास साफ कर रहे थे, और फिर मॉप से पोंछ के भी निकाला वो लोग ने, मतलब सब कुछ एकदम 0 to क्या बोलते हैं A to Z डिसिप्लिन सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। पसंद है झरना,
पड़ भी थे। अभी हम लोग नानजेन जी टेम्पल के मेन गेट के सामने खड़े हैं। यही वो गेट है जिसको सानमोन गेट बोलते हैं। तो ये गेट को देख के हमको ऐसा, मतलब जब हम बोलते हैं कि कैमरा इस चीज़ को जस्टिस नहीं कर रहा है, वैसा फीलिंग आता है। क्योंकि क्या है कि इसका जो ह्यूजनेस है और जो वुड का जो स्ट्रक्चर को देख के जो ऐसा मतलब ऑसम फीलिंग आता है, वो आपको अगर एक्चुअली इस जगह पे नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग हो सकता है उतना कैमरा में कैप्चर करेंगे आपके लिए, बाकी तो आपको यहाँ पे आके ही इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा। すぐ申し込みください。ありがとうございます。